इस वीडियो में आपको दिखाते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए नंबर प्लेट फ्रेम, इसके लगाने के फायदे और नुकसान, ये लगाना चाहिए या नहीं, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वत्स, आप देख रहे हैं क्रिस्टल कार्ड और स्वागत है आपका क्रिस्टल कार्ड की एक और नई वीडियो में। आइए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। यह है नंबर प्लेट फ्रेम का मेन बॉक्स, जैसा कि लिखा हुआ है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और यूनिवर्सल साइज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है, आप किसी भी गाड़ी के ऊपर इसको लगा सकते हो। इसका जो साइज़ होता है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के हिसाब से बना होता है। तो अब तो वैसे भी कंपलसरी हो गई है, पूरे देश के अंदर लगने लग गई हैं नंबर प्लेट्स, तो ये साइज़ उसी का है। बाहर से जो नंबर प्लेट पहले आगे की छोटी होती थी, पीछे की कई बार बड़ी होती थी, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन HSRP प्लेट के लिए ये सब सेम ही होता है, एक ही जैसा साइज़ सब गाड़ियों में लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर प्लेट फ्रेम प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है और एक बॉक्स के अंदर दो पीस, यानी एक आगे और एक पीछे के लिए, आप पूरा सेट कह सकते हो, निकलते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, आप खुद से भी इसको लगवा सकते हो। अगर आप शोरूम से इसको ख़रीदते हो तो करीब इसकी वैल्यू 500 से 700 रुपये बताते हैं और आफ्टर मार्केट ये आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। आप खुद से आराम से इसको लगवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं होती है इसके अंदर। ये साइड की प्लास्टिक आप जो देख रहे हो ऊपर की तरफ उठ गई है, ये खाली लॉक से बंद होती है, आपको इसको खींच के बाहर की साइड खोल देना है। और ये नीचे के जो इतने सारे इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं, आपकी गाड़ी पे जहाँ पर शूट करता है वहाँ पे इसके अंदर वो लगा सकते हो रिफ्ट से, जिसके लिए फिक्स हो जाता है। आइए आपको सबसे पहले इसमें नंबर प्लेट लगा के दिखाते हैं कि लगने के बाद इसका क्या ओवरऑल लुक आ जाता है। ये है आपका स्टैंडर्ड साइज़ HSRP प्लेट का, जो इसी साइज़ की होती है जो आप देख रहे हैं। ये तो वैसे ही नॉर्मल नंबर प्लेट है जो पहले लगा करती थी वो वाली, तो ये वही साइज़ है जो HSRP प्लेट में आता है। आपको खाली इसके अंदर रख देना है HSRP प्लेट को और ये जो आप नीचे का लॉक देख रहे हो ये बंद हो जाएगा ऐसे ही, तो नंबर प्लेट इसके अंदर फंस जाती है, ऊपर से रिपीट से ये फिक्स हो जाता है, तो जिससे ये निकलता नहीं है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि जो नंबर प्लेट फ्रेम के अंदर चौड़े वाला जो हिस्सा है वो आपका नीचे की साइड रहेगा और पतले वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की साइड रहेगा। नीचे से सपोर्ट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, जिससे ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा और ये लास्ट में ये लॉक लग जाएंगे इसके सारे के सारे और ये अपने आप खुलेगा नहीं। खींच के इसको दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन जब इसको रिफ्ट से फिक्स कर दिया जाता है तो उसके बाद इसमें निकलने का कोई चांस नहीं बचता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ये यहाँ पे ये लॉक होते हैं जिससे इसको बंद कर दिया जाता है। लॉक वैसे फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप ही अच्छी तरह दबाने से ही ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है चारों तरफ से, तो ओवरऑल लुक तो इससे काफ़ी अच्छा हो ही जाता है। और बात करें अगर ये लगाना चाहिए कि नहीं, तो लगाना चाहिए अगर आपको एक अच्छा लुक देना हो नंबर प्लेट को। बाकी लोग कई बार ख़राब कर देते हैं इसको, खींच खींच के नंबर प्लेट को मोड़ देते हैं तो नंबर प्लेट बार बार नहीं लगती है, तो उस लेवल पे भी इसको लगा लेना चाहिए, लुक भी अच्छा हो जाता है और नंबर प्लेट की सेफ्टी बढ़ जाती है। माइनस पॉइंट अगर आप इसको कहो तो खाली इसका यही है कि कई बार एक्सीडेंट वगैरह के अंदर नंबर प्लेट फ्रेम नंबर प्लेट से भी पहले टूट जाता है और जहाँ इसको बदलने के लिए आपको फिर दोबारा से पूरी नंबर प्लेट निकाल के नया फ्रेम ही आपको लगाना पड़ता है। खाली इस नुकसान के अलावा इसका वैसे कोई नुकसान नहीं है, लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है गाड़ी का और गाड़ी की नंबर प्लेट की भी काफ़ी सेफ्टी होती है, क्योंकि HSRP प्लेट काफ़ी महंगी है। बाकी HSRP प्लेट से रिलेटेड आपको पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसको अप्लाई कैसे करना है, लेज़र कोड क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बारे में कोई और क्वेरी या इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।